देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्लॉट नामांतरण न होने को लेकर एक अधेड़ ने कलेक्टर कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। यहां तक अधेड़ ने पटवारी की पिटाई तक कर दी। वहीं महिला कर्मचारी के साथ भी अभद्रता की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पटवारी चेतन उपाध्याय कलेक्टर कार्यालय में नायब तहसीलदार के ऑफिस में बैठकर अपना शासकीय काम निपटा रहे थे। उसी दौरान आरोपी दिलीप कुमार पटवारी चेतन उपाध्याय से विवाद करने लगा। दोनों के बीच बात इतनी बड़ी कि अधेड़ दिलीप कुमार ने पटवारी शासकीय फाइल भी फाड़ दी और जमकर मारपीट भी की। कमरे में मौजूद महिला कर्मचारी से भी अभद्रता आरोपी द्वारा की गई। फिलहाल आरोपी दिलीप कुमार को रावजी बाजार पुलिस को सौंपा गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गलत तरीके से प्लॉट का नामांतरण करने के लिए दबाव बना रहा था, इसी के चलते ये सारा विवाद उपजा था। थाना क्षेत्र में शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज हुआ है, किस तरह की घटना है? आरोपी दिलीप कुमार पिता देवीदास निवासी बेराठी कॉलोनी हाल मुकाम वो कलेक्टर कॉलोनी में कक्ष क्रमांक 3 नायक तहसीलदार के यहाँ गया था। उसकी फाइल पहले से प्लाट के संबंध में आवेदन चल रही थी। इस बात को लेकर उसने पटवारी वहाँ के स्टाफ के साथ गाली गुप्ता कर फाइल पाड़ कर शासकीय कार्य में बाधा की। किसी तरह का विवाद हाथापाई भी की गई है द्वारा? हाँ, झुमा झटकी हुई है पटवारी के साथ। क्या करता है आरोपी? आरोपी तो कुछ नहीं, दुकान चलाता है, वेस्ट पेन में भी चलाता है, यहाँ भी काम करता है पूना और इंदौर दोनों में। किसको, किस चीज को लेकर उसने विवाद किया था? उसके प्लाट का जो उसको मकान बनाना है बेराठी कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी के संबंध में उसने आवेदन दिया था कि कॉलोनी वैध है या अवैध है, इस संबंध को लेकर विवाद। किन धाराओं में पकड़ दर्ज हुआ है? धारा पर शासकीय कार्य में बाधा के संबंध में उप निरीक्षक आनंद सुनिया थाना राज। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।